देखिए 20 तारीख को छतरी वाली आने वाली है, ट्रेलर लॉन्च हो गया है, लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन को लेकर तो बार बार इस बात का भी मैं जिक्र करती हूँ कि लोग झिझकते हैं, हिचकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि विमेन्स हो या फिर अन्य लोग कंफर्टेबल हो पाएंगे इस मूवी से? जो आप मैसेज देना चाह रही हैं, जो आप मैसेज लोगों तक स्प्रेड करना चाह रही हैं, वो इतना इजीली कन्वे हो पाएगा? हमारी उम्मीद तो यही है कि इजीली कन्वे हम कर पाएं, बिकॉज यू नो, जैसे आप छोटे बच्चे को एक कड़वी दवाई देना चाहते हो तो आप उसको चॉकलेट के साथ मिला के या फ्रूट के साथ लगा के देते हो और बोलते हैं ये देखो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आई थिंक छतरी वाली एक ऐसी मूवी है जो एकदम एंटरटेनमेंट के साथ लेस्ड और कोई प्रीची मूवी नहीं है। एक भी सीन ऐसा नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देख पाएं, एक भी डायलॉग नहीं है जो क्रिंज वर्दी हो। मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ये मूवी देख सकती हूँ और मेरा एजेंडा ये होता है कि मैं कोई भी फिल्म अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर पाऊं, मेरी फिल्म। तो छतरी वाली का टॉपिक जरूर सेंसिटिव हो सकता है, बट जो उसका ट्रीटमेंट। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। है वो एब्सोल्युटली फैमिली ट्रीटमेंट है एंड दैट्स व्हाई आई होप कि लोगों को वो समझ आएगी, बिकॉज जो कैरेक्टर्स हैं मूवी में, जैसे एक भाई जी दिखाए गए हैं, यू नो, एक भाभी है, एक 12 साल की लड़की है, तो ये इन सब कैरेक्टर्स के साथ हर घर का कोई ना कोई मेंबर कनेक्ट करेगा कि ये तो मैं हूँ या ये तो मैं हूँ। यू नो, हर घर में एक सानिया होनी चाहिए, हर घर में एक भाभी होती है, एक भाई जी होते हैं, बच्चे होते हैं। सो आई थिंक जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है एंड होपफुली लोगों को समझ आएगी कि यू नो। और दूसरी बात क्या होती है कि हम ये बोल रहे हैं कि ये टैबू है, टैबू कौन बनाता है? हम अपनी कॉन्वर्सेशन से बनाते हैं। पैडमैन जैसी फिल्में आई और एक पीरियड सी कॉन्वर्सेशन नॉर्मलाइज करी। ऑफकोर्स इट्स नॉर्मल बिकॉज इट्स नॉर्मल साइंस, नेचर ऐसी है एंड दैट्स हाउ एवरीबडी इज बॉर्न, यू नो। तो उसमें बात करने में झिझक क्या है? सिमिलरली जो छतरी वाली का भी कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिक बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी है, और वो सिर्फ आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि इंडिया ऑल्सो बहुत पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाली है, यू नो। तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ का एस्पेक्ट है। वाई आर वी ओके विद वुमेन टेकिंग द ट्रॉमा? लेकिन प्रकुल, आपको नहीं लगता, अभी आपने जिक्र किया पैडमैन का, पीरियड्स को लेकर हम डिस्कशन करते हैं, सेक्स एजुकेशन को लेकर हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अभी जरूरत है कि और मूवीज भी इस तरह के बने? शायद लोग इन्हें तभी तो बनाई। बिल्कुल, और सिर्फ आप ही नहीं, और भी जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, उनको क्या नहीं आपको लगता कि जरूरी है कि इस तरह वो भी आगे आए, इस तरह की मूवीज को और मूवीज भी इस तरह के क्रिएट हो, जिससे क्या है कि जो मैसेज है, जो लोग इन टॉपिक्स पर बात करने से झिझकते हैं, शायद ये चीजें खत्म हो पाएंगी। आई थिंक जितनी ज्यादा बनेंगी उतना बेटर है। मैं ऑब्वियसली दूसरे एक्टर्स के लिए नहीं बोल सकती कि यू नो मैं चाहूँ कि वो करें, बट आई थिंक काफी एक्टर्स जैसे आयुष्मान है, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को, सेंसिटिव टॉपिक्स को पिकअप करते हैं। उन्होंने विकी डोनर से शुरुआत की और फिर शुभ मंगल, सावधान और यू नो ये सारी फिल्में बनाई। एंड आई थिंक एक सही स्क्रिप्ट का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल एज एक्टर्स इज एंटरटेनमेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो एक सही स्क्रिप्ट मिलना बहुत जरूरी है जिसमें एंटरटेनमेंट के द्वारा आपको एक मैसेजिंग मिले, क्योंकि हम कोई मोर्चा नहीं शुरू कर रहे हैं, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्री नहीं स्टडी भी करते हैं, हम स्टडी भी करते हैं, तो अगर एंटरटेनिंग होती है, कोई वीडियो भी देखते हैं जिसमें कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, अगर वो एंटरटेनिंग हो तो शायद लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, यू नो। हंसी मजाक में अगर आप बात कह पाए एंड उस तरह की फिर स्क्रिप्ट भी बननी चाहिए। सो आई बट ऑन द होल आई फील जितना ज्यादा हम लोग एज विमेन भी नॉर्मली बात करेंगे और जितना हमारे लाइफ के में जितने हमारे भाई, फादर, पार्टनर्स, लोगों के, वो भी इस बात को नॉर्मलाइज करेंगे, बिकॉज इट्स साइंस। लेकिन अभी भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे ही हैं, मेरी खुद की फैमिली में। तो मैं कोई छतरी वाली दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाऊंगी, इवन मैं सभी से बोलूंगी कि छतरी वाली आप भी जरूर देखिए, फैमिली के साथ देखिए, फैमिली क्योंकि अभी भी मम्मी पापा ना बोल नहीं पाओगे ना, वो आप Exactly. समझ जाओ। और जब मम्मी पापा के साथ बैठे होते तो कोई सीन ऐसे आ जाते कि अभी भी मम्मी पापा ऐसे हैं कि वोट के चले जाते। यू नो, आई टेल यू व्हाट, उस चीज में शायद मुझे भी डिस्कम्फर्ट हो, राइट? इसलिए मैंने आपको बोला कि छतरी वाली के अंदर एक भी डायलॉग या सीन ऐसा नहीं है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाएगा। एक डिफरेंस होता है इन शोइंग सेक्स ऑन स्क्रीन और टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड एडुकेटिंग पीपल अबाउट सेक्स, ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं। शोइंग सेक्स, इवन आई डोंट बिलीव इट्स नीडेड,
अनलेस आपके कैरेक्टर की बहुत जरूरत है, वो स्क्रिप्ट वैसी है कि आप सेक्स वर्कर की लाइफ दिखा रहे हैं या मतलब जो भी है यू नो, अगर एक इंटीमेट रिलेशनशिप दिखाना है, अनलेस इट्स रियली नीडेड इन अ फिल्म, आई डोंट थिंक उसकी दिखाने की जरूरत है एक्सप्लिसिटली. लेकिन जो हमारी फिल्म कर रही है वो आपको बता रही है कि लाइफ में जब आपके पास इसका ऑप्शन नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, तो एटलीस्ट एडुकेटेड रहो ताकि आप अपने आप को हार्म मत करो, यू नो. क्योंकि हमारी टैगलाइन है ऑप्शनल नहीं कंपलसरी है, तो मेरा मानना है जब लाइफ में ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई का ऑप्शन है या नहीं है हो सकता है, बट शादी तो सब करते हैं. तो जब लाइफ में ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखो. बिल्कुल. लेकिन रकुल, पेरेंट्स को या टीचर्स को नहीं लगता कि सभी को जरूरी है कि अगर उनसे कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इससे रिगार्डिंग, तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए, ओपनली देना चाहिए. एंड आई थिंक चेंज वहीं शुरू होगा जब हम लोग घरों में और स्कूल्स में, जैसा मैं शुरू में कह रही थी कि स्कूल्स के करिकुलम में है, सेक्स एडुकेशन की क्लासेस भी होती है, बट जब टीचर्स समझाएं तो वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट समझाएं, ना कि शर्मा के. जब टीचर्स शर्मा जाएंगे या टीचर्स ऑकवर्ड होंगे तो बच्चे भी वही एनर्जी कैच करेंगे. एंड अगर 12-13 साल की एज में प्यूबर्टी हिट होती है बच्चे की, तो दैट मींस दैट्स द राइट एज उनको अपनी बॉडी के बारे में, चेंजेस के बारे में जानने का, ताकि वो क्यूरियोसिटी से गलती ना करें. यू नो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द राइट एज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि आप छोटे बच्चे को बताने लग जाओ. राइट एज, द टीनेज स्विच, यू नो, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं, तो टीचर्स को उस टाइम पर बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट की तरह बताना चाहिए, यू नो, दिस इज हाउ द बॉडी फंक्शंस. और घरों में भी एक मैटर ऑफ फैक्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए. या व्हेन गर्ल्स गेट मैरिड टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में भी, तो इफ फादर्स आर नॉट कंफर्टेबल, द मदर्स शुड टॉक कि यू नो एटलीस्ट बी प्रोटेक्टेड. बार बार प्रेगनेंट होकर अबॉर्शन मत कराते रहो. डोंट डैमेज योर सेल्फ. बिल्कुल. छतरी वाली 20 को आ जाएगी, उसके लिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा. कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को, कुछ कहना चाहेंगे? वेल, मैं इतना कह चुकी हूँ, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि छतरी वाली एक फैमिली फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, तो प्लीज अपनी फैमिली के साथ देखिए. 20 जनवरी को Z5 पर प्रीमियर हो रही है. एंड जो लोग यू नो, आई होप कि वुमेन फाइंड अ वॉइस थ्रू दिस फिल्म, एंड एवरी मैन जिसको अपने पार्टनर के लिए प्यार है, केयर है, कंसर्न है, आई होप दैट मैन ऑल्सो ड्राइव्स दिस मैसेज अहेड. So yeah, watch Chhatri Wali on 20th. तो हम भी आपसे कहेंगे कि जरूर देखिए छतरी वाली. एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी है जो सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है. इससे पहले डॉक्टर में भी कुछ ऐसा ही मैसेज था, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एक नया किस्सा नई कहानी के साथ रकुल प्रीत हमेशा आती है. इस बार भी छतरी वाली में कुछ ऐसा ही होगा. बहुत शुक्रिया रकुल आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही. क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें.